हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। मैं राजेंद्र चौधरी अपनी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। देखो, अपन स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ रहे थे। स्पीड एंड टाइम एंड डिस्टेंस से बेसिक क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे, ठीक है, और अपने एवरेज स्पीड वाले क्वेश्चन चल रहे थे, ठीक है। देखो, कल अपन ने जो क्वेश्चन किए थे उसमें शायद आखिरी वाला क्वेश्चन था, उसमें 640 480 की जगह 640 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी औसत चाल आई थी, ठीक है। तो उसको देख लेना, हालांकि वीडियो में मैंने करेक्शन करके डाला उसको, ठीक है, और पूरी कैलकुलेशन सही है क्वेश्चन की, ठीक है। अब देखो, उससे आगे आज अपन चलेंगे, ठीक है। अब एवरेज स्पीड वाले क्वेश्चनों में कभी कभी क्या करता है, दूरी पूछ लेता है, ठीक है। दो समान दूरी चलता है एक्स और वाई की स्पीड से, ठीक है। एक्स किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है, वाई किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वापस आता है, ठीक है। तो बीच की दूरी पूछ लेता है, टाइम दे देता है। तो बीच की दूरी कैसे निकाली जाती है, देखो, एवरेज स्पीड कैसे निकाल देते हैं अपन, एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई। लेकिन इसके लिए मैंने आपको क्या किया था, मना किया था, ठीक है। दो के लिए अलग है, तीन के लिए, तो ये दो के लिए बता रहा हूँ मैं। जो टाइम देता है उसको टाइम से गुणा कर देते हैं तो अपना क्या आ जाता है, डिस्टेंस। ये डिस्टेंस के बराबर होता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है अपने को, ठीक है। अब आज अपन कल जहाँ पे समाप्त किया था अपन ने, उससे आगे स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। वैसे तो फॉर्मूले की ज़रूरत ही नहीं है, अपने वाला कॉन्सेप्ट लगाना है और उड़ाना है किसी को। एक बस किसी यात्रा को 12 घंटे में पूरा कर सकती है। टाइम दे दिया अपने को कि बस यात्रा को कितने घंटे में कर सकती है, 12 घंटों में। टाइम कितना दे रखा है, 12 घंटे, ठीक है। आरंभिक आधी यात्रा 22 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, आरंभिक आधी यात्रा 22 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और आधी यात्रा 26 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 26 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पूरी की जाती है। तो दूरी क्या बताओ, अपने से क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछा है, ये पूछा है अपने से, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया, देखो, आधी यात्रा का मतलब हो गया ये दूरी भी समान है, ये दूरी भी समान है, क्योंकि यात्रा क्या हो गई, आधी आधी हो गई, दूरी क्या हो गई, आधी हो गई। जैसे 2 किलोमीटर का आधा कितना होता है, 1 किलोमीटर, ठीक है। तो एक एक किलोमीटर हो जाता है, इसका मतलब अपन समझ गए ये दूरी समान है। तो इनकी एवरेज स्पीड निकालेंगे अपन, तो देखो फॉर्मूले में रखेंगे, 2 गुना 22 गुना 26 बटे 22 प्लस 26। हालांकि आप इस वाले तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। 22 और 26 का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। इस वाले तरीके से भी कर सकते हैं, और इसको किससे गुना कर देंगे, टाइम से, 12 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया 44 गुना 26 बटे में ये हो जाएगा अपना 48। 12 से 4 बार में ये, 11 बार में ये, 6 और ये, 286 किलोमीटर इसकी क्या हो गई, दूरी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इतने क्वेश्चन करवा दूंगा इससे, इसके बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है, केवल आपको अपने नोट्सों की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। एक लड़का अपने घर से स्कूल 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, जाने की चाल क्या हो गई, 3 किलोमीटर प्रति घंटा।
तथा वापस 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौटता है, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आ रहा है। ये जाना हो गया, ये आना हो गया, दो ही काम बचे हैं केवल, जाने और आने के। ठीक है, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौटता है। यदि आने जाने में वह 5 घंटे समय लेता है, टाइम कितना दे रखा है अपने को, 5 घंटे। ठीक है, तो स्कूल एवं घर के बीच की दूरी क्या होगी? स्कूल से घर के बीच की दूरी अपने को बतानी है। एक तरीका तो अपना क्या हो गया, ये वाला हो गया। ठीक है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ से 6, यहाँ से लेगा 2, यहाँ से लेगा 3। ठीक है, अब उसकी एवरेज स्पीड अपन निकालेंगे। दो दूरी हो गई, बटे में टाइम कितना ले रहा है, 5, और 5 घंटे का समय लेता है वो, ये उसकी एवरेज स्पीड हो गई। 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो 12 किलोमीटर क्या हो गई, टोटल डिस्टेंस हो गई 12 किलोमीटर, जाने और आने की दोनों डिस्टेंस 12 किलोमीटर हो गई, क्योंकि टाइम पूरे 5 से गुणा कर दिया अपन ने। यहाँ से पहले एवरेज स्पीड निकाली, इसको समय से गुणा कर दिया, तो अपने पास टोटल जाने आने की दूरी हो गई। तो देखो दूरी समान है, जाना और आना, तो इसमें 2 का भाग लगा देंगे, तो 6 किलोमीटर एक तरफ की दूरी हो गई। यही अपने क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। उतारो इसको, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गौतम 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार्यालय जाता है और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, तो केवल उसकी औसत चाल बतानी। 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, तो फॉर्मूला देखो, दो वाले में तो फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे अपन। ठीक है, 3 या 3 से ज़्यादा वाले, जब समान डिस्टेंस वाले क्वेश्चन आएंगे तो उनमें अपने तरीके से करेंगे अपन। 2 गुना 12 से जाता है और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, 12 प्लस 10। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया 24, 240, 240/22। ठीक है, यदि 220 होता तो 10 बार कर जाता। ठीक है, तो 10 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, बचा कितना, 20, 20 में 22 का भाग लगाएंगे तो 200, लगभग 9 बार जाएगा, तो 10.9 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी क्या हो गई चाल। कैलकुलेशन भी आपकी क्या होनी चाहिए, तेज होनी चाहिए। ठीक है, और देखो मैं जो आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये बिना ऑप्शनों के करवा रहा हूँ। ठीक है, एक बार आपकी ये क्वेश्चन फ्लो में आ जाएंगी, बिना ऑप्शनों के क्वेश्चन को निकालना सीख जाओगे आप। ठीक है, ऑप्शन से तो आपको हेल्प मिल जाएगी, जैसे अपने चैप्टर खत्म होंगे तो अपन प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे। ठीक है, अलग अलग एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन वो लेके आएंगे और उनमें ऑप्शन से ही तो आपको क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, और ऑप्शन से भी उड़ाना सिखा देंगे क्वेश्चनों को कि किस प्रकार से उड़ाते हैं। ठीक है, अभी तो केवल आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन करने हैं और प्रॉपर कॉन्सेप्ट से क्वेश्चनों को उड़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक कार ए से बी तक की दूरी का 1/5 भाग, चलो ये टाइप बाद में करूँगा मैं, इससे पहले ये कर लेते हैं। एक बस 3 किलोमीटर लंबे 4 खंड क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पार करती है, तो बस की औसत गति बतानी है। देखो 3-3 किलोमीटर के 4 खंड पार कर रही है, इसका मतलब डिस्टेंस समान है, तो अपने को एवरेज स्पीड पूछी है, तो पहले तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, फिर दोबारा से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, फिर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और अंत में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3 किलोमीटर लंबे
चार खंड, ठीक है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, डिस्टेंस तो समान होगी ना, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्या करती है, तय करती है। ठीक है, तो अपने वाला तरीका लगाना है इनमें, एलसीएम लेंगे, 20, 30, 60, 10 का एलसीएम 60 होता है, यहाँ से 6, यहाँ से 3, यहाँ से 2, यहाँ से 1, दूरी कितनी हो गई, दूरी अपन ने मान ली 60 गुना 4। ठीक है, क्वेश्चन में जो दे रखा है उसको भूल जाना है, अपने यहाँ से करना है, ये देखो एक 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 खंड की दूरी अपन ने 60 मान ली, ऐसे चार खंड दे रखे हैं, और समय देखो यहाँ से 6 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, ये 9, 11, 12 हो गया, तो 60 गुना 4 बटे 12, 5, 20 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी क्या आ गई, चाल आ गई। केवल क्वेश्चनों को उड़ाना है, ये 3 किलोमीटर लंबी चार खंड, ये केवल कन्फ्यूज करने के लिए दे रखा है आपको, तो केवल ये देखना है कि खंडों की लंबाई क्या है, समान है और अलग अलग स्पीड से वो तय कर रहा है, तो इनकी एवरेज स्पीड इस तरीके से निकाली जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत, एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, उड़ाना है क्वेश्चनों को। इतने क्वेश्चन हो जाएंगे अपने कि चैप्टर पे कमांड हो जाएगी आपकी। एक व्यक्ति समान दूरी की चार यात्राएं करता है, पहली यात्रा में उसकी गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तथा अगली प्रत्येक यात्रा में उसकी गति पिछली यात्रा की गति से आधी हो जाती है, तो व्यक्ति की औसत गति क्या होगी। SSCCGL 2017, 2017 का पेपर SSC का, SSC के इतिहास में अब तक का सबसे टफेस्ट एग्जाम, मतलब टफेस्ट पेपर माना जाता है, उसमें क्वेश्चन अच्छे आए थे और उसमें ये क्वेश्चन भी आया था। ठीक है, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से ये क्वेश्चन आया था, और ये एक अच्छा क्वेश्चन है, स्टार बना सकते हो इसके, और इसी टाइप से क्वेश्चन आया था। देखो, एक व्यक्ति समान दूरी की चार यात्राएं करता है, दूरी क्या दे दी अपने को, समान, पहली यात्रा में उसकी गति क्या है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, अगली प्रत्येक यात्रा में उसकी गति पिछली यात्रा की गति की आधी हो जाती है, मतलब अब आगे वाली यात्रा में इसकी आधी हो जाएगी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, फिर चार चार समान दूरी करनी है ना, अगली यात्रा में फिर इसकी आधी हो जाएगी, 30 की आधी, पिछली यात्रा कितनी है 30, 30 की आधी हो जाएगी 15 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर लास्ट चौथी यात्रा में उसकी 15/2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, यही हो जाएगी। ठीक है, ये उसकी स्पीड दे रखी है और चार समान दूरी दे रखी है, तो अब इसका क्या कर लेंगे अपन, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, कैसे कैसे भी क्वेश्चन घुमा के दे सकता है, अपन उड़ाने के लिए तैयार है। ठीक है, 60, 30, 15, 15/2, एलसीएम 60 हो गया, यहाँ से 1 आ गया, यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से 4 आ गया, और यहाँ से देखो सब 60 में 15 का भाग लगाएंगे, 4, 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8, ठीक है 8 आ गया, अब दूरी 4 है तो 60 गुना 4 बटे में ये हो जाएगा 12, और 2, 14, 1, 15, 15 हो गया, 15 से ये कट गया 4, तो उसकी स्पीड आ जाएगी 16 किलोमीटर प्रति घंटा। SSCCGL 2017 का क्वेश्चन अपन ने क्या कर दिया है, उड़ा दिया है। ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। समझ में आया क्वेश्चन, फिर
क्वेश्चन बोल रहा है अपना, चार समान दूरियां एक व्यक्ति तय करता है। पहली यात्रा में उसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। अगली यात्रा में उसकी चाल पिछली यात्रा की आधी हो जाती है, तो अगली जो यात्रा करेगा उसमें उसकी चाल 60 का आधा हो जाएगी 30, फिर अगली यात्रा करेगा उसमें उसकी चाल 30 का आधा हो जाएगी 15, अगली यात्रा करेगा उसमें उसकी चाल 15 का आधा हो जाएगी 15/2। इन चारों का एलसीएम ले लिया और उड़ा दिया क्वेश्चन को। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। प्रत्येक 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद में 12 मिनट आराम करता है, तो 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा? ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले करवा दिया है आपको, ठीक है। एक और करवा देता हूँ, ठीक है। एक व्यक्ति 12 किलोमीटर की चाल से चल रहा है, चाल क्या है उसकी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रत्येक 1 किलोमीटर की दूरी के बाद में 12 मिनट आराम करता है, तो 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल कितना समय लेगा? देखो, 36 किलोमीटर डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 36 किलोमीटर है। सॉरी, 36 किलोमीटर अपने को क्या दे रखी है, डिस्टेंस दे रखी है। यदि वो आराम नहीं करता तो उसे कितना समय लगता? 3 घंटे समय लगता उसको। यदि वो आराम नहीं करता तो इसी दूरी को तय करने में उसको 3 घंटे लगते। 3 घंटों में यह दूरी तय कर लेता, लेकिन वो आराम भी कर रहा है, ठीक है। थक जाता है बेचारा चलते चलते, तो 1 किलोमीटर जाने के बाद में 12 मिनट का आराम लेता है वो। अब देखो, यहाँ से 3 घंटे तो उसको लगेंगे, 36 किलोमीटर में मेरे को ये बताओ कितनी बार आराम करेगा वो? तो 36 किलोमीटर में 35 बार आराम करेगा वो, क्योंकि 36 किलोमीटर जैसे ही 35वां आराम करेगा और 36वां किलोमीटर चलेगा, तो 36वें किलोमीटर में उसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी उसको चलने के बाद में, ख़त्म हो जाएगी, फिर आराम करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखो, 36 में एक का भाग लगाएंगे, पूरा भाग जाएगा, इसीलिए एक कम करके आराम करेगा वो। यदि पूरा भाग नहीं जाता तो वह पूरा आराम करता, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन करवाया हुआ है पहले वाली क्लास देख लेना, ठीक है, उसमें आया हुआ है। और भी क्वेश्चन आ जाएंगे इसके, तो कितने बार आराम करेगा, 35 बार आराम करेगा। तो 35 एक आराम में 12 मिनट ले रहा है, तो यहाँ से 60 6 420 यही होगा ना, 3 घंटे यहाँ से ले रहा है, 12 मिनट ही करता है ना आराम, 12 मिनट आराम करता है, सही है। तो 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में, ठीक है। तो यहाँ से मिनट बना लेते हैं, इसको 60 का भाग लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, 7 घंटे यहाँ पे आराम में निकल गए उसके, और 3 घंटे ये ले रहा है, तो टोटल कितने लेगा, 10 घंटे, 10 घंटे में तय कर लेगा। और यही अपने क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक यात्रा में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 4 घंटे 30 मिनट लगती है,
यदि गति 15 मीटर प्रति सेकंड हो तो यात्रा में कितना समय लगेगा? ऐसा क्वेश्चन भी मैंने पहले करवा दिया है। नेक्स्ट, एक व्यक्ति 80 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। अगले 50 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और अंतिम 60 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो उसकी औसत चाल बतानी है। ठीक है, ये बीच में एक अलग क्वेश्चन आ गया था औसत चाल में। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट। अभी तक तो अपन क्या कर रहे थे, जब अपन को डिस्टेंस समान दे रहा था तो अपन एलसीएम लेके या फॉर्मूले से उनको क्या कर लिए थे, सोल्व कर लिए थे। ठीक है, यदि डिस्टेंस पूछता था तो डिस्टेंस को भी अपन सोल्व कर लेते थे। लेकिन अब देखो, जो अब इसी टाइप का नेक्स्ट वर्जन चल रहा है, ठीक है, उसमें क्या होगा, दूरियां अलग अलग देगा, ठीक है, और चाल भी अलग अलग देगा और एवरेज स्पीड पूछेगा, तो वो कैसे निकालेंगे? ठीक है, एक व्यक्ति 80 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। 80 किलोमीटर की दूरी किससे तय कर रहा है? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अगले 50 किलोमीटर की दूरी किससे तय कर रहा है? 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। और अंतिम 60 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय कर रहा है, तो उसकी औसत चाल बतानी है, तो एवरेज स्पीड बतानी है, एवरेज स्पीड अपने को बतानी है। ठीक है, इसमें क्या है, डिस्टेंस समान नहीं है, पीछे वाली टाइप और इस टाइप को मिक्स मत कर देना। उसमें दूरी समान दे रहा था तो सीधे एलसीएम निकाल के अपन कर लेते थे, यह टाइप अलग आ गई है। यहाँ पे लगा देता हूँ मैं नेक्स्ट। नेक्स्ट टाइप का मतलब नेक्स्ट टाइप है। ठीक है, 80 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 50 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर घंटे की चाल से और 60 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो उसकी एवरेज स्पीड बतानी है। तो मेरे को ये बताओ, यहाँ से अपन अलग अलग टाइम निकाल सकते हैं? टाइम, यहाँ से टाइम देखो, यहाँ से टाइम आ जाएगा अपना 80/60, मतलब 8/6। ठीक है, यहां से टाइम निकाल सकते हैं अपन 40, 50/40, 5/4, और यहां से टाइम निकाल सकते हैं अपन 60/80, 3/4। ये अपने ये हो गया अपने कट के 4/3, ये टाइम आ गया। टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, एवरेज स्पीड कैसे निकलती है? एवरेज स्पीड अपनी निकलती है डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, ऐसे ही निकलती है। पहले दिन ही बता दिया था फॉर्मूला। तो डिस्टेंस देखो कितनी हो गई, डिस्टेंस हो गई 80 और 50, 130 और 60, 190। ठीक है, डिस्टेंस कितनी हो गई अपनी 190। ठीक है, और टाइम कितना हो गया, 4/3 प्लस 5/4 प्लस 3/4। ठीक है, तो 190, यहाँ से एलसीएम ले लिया अपन ने 12, तो ये देखो 4 16, और ये हो जाएगा अपने पास 15, 15 ही हुआ, 15 प्लस 9। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास 40, 190/40, ये 12 ऊपर पहुंच जाएगा, 0 से 0 गई ये 3, तो 57 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी क्या आ गई, एवरेज स्पीड आ गई। किसी को दिक्कत? जब डिस्टेंस अलग अलग देता है और चाल अलग अलग देता है और अपने को क्या पूछता है,
एवरेज स्पीड पूछता है, तो अपन इस वाले तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत? यहाँ से देखो, इससे आगे वाली टाइप ही अपन कल करेंगे। वीडियो में थोड़ी दिक्कत हो रही है बनाने में, ठीक है? तो आज इतने ही क्वेश्चन करेंगे करवाने में, तो और भी करवाता, मैं शीट बना के लेके आया हूँ पूरे क्वेश्चनों की, लेकिन मजबूरी है अपनी, ठीक है? तो यहाँ से अपन कल करेंगे, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।